मुझे इस बात की खुशी हुई कि 2014 में भूटान अपने बजट की काफी राशि शिक्षा के लिए खर्च कर ले जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भूटान आज की पीढ़ी के सुख की नहीं, आने वाली पीढ़ियों के हैप्पीनेस के लिए भी आज बीज बो रहा है। दुनिया में कहा वो तकलीफ है कि जो लोग एक साल का लिए सोचते हैं वे अन्न की खेती करते हैं, जो लोग 10 साल के लिए सोचते हैं वो फूलों फलों की खेती करते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों की सोचते हैं वे मनुष्य होते हैं। शिक्षा ये अपने आप में मनुष्य होने का उत्तम से उत्तम प्रयास है, जिससे उत्तम नई पीढ़ियों का निर्माण होता है। मैं इस सार्थक प्रयास के लिए भूटान के राज परिवारों को, भूटान के जनप्रतिनिधियों को और संसद में बैठे हुए सभी माननीय संसद सदस्यों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी है। अब जब आप दो कदम चले तो हमारा भी मन करता है कि एक कदम हम भी आपके साथ चले, और इसलिए शिक्षा को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, शिक्षा के माध्यम से विश्व की खिड़की खोलने के लिए भूटान के पालकों को भी अवसर मिलना चाहिए, और इसलिए भारत ने भूटान में ई लाइब्रेरी का नेटवर्क बनाने के लिए तय किया है, और ई लाइब्रेरी के कारण भूटान के बालक ज्ञान के भंडार के साथ जुड़ जाएंगे। दुनिया का जो भी ज्ञान को पाना होगा वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पा सकेंगे। विश्व के लेटेस्ट से लेटेस्ट मैगजीन से उनको अपना सरोकार करना होगा तो कर पाएंगे। तो शिक्षा में आपका ये निवेश और भारत का उसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, यहां की नई पीढ़ी को आधुनिक भी बनाएगा और विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने की ताकत भी देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जब यहां शिक्षा का प्रारंभिक काल था तब से भारत की बहुत बड़ा मात्रा में शिक्षक भूटान आया करते थे। दुर्गम इलाकों में जाकर के यहां के लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे, और जब कोई राष्ट्र अपने यहां से दूसरे देश में शिक्षक भेज रहा है तो वो सत्ता के विस्तरण का मकसद कभी नहीं होता है। जब शिक्षक भेजता है तब उसके मन में उस राष्ट्र को जड़ों से मजबूत करने का एक नेक इरादा होता है, और दशकों से भारत से भूटान में बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक आए हैं। कठिन जीवन जीकर के भी उन्होंने पुरानी पीढ़ियों को शिक्षित करने का प्रयास किया है, वे भूटान की जड़ों को मजबूत करने का एक नेक इरादे का अभिव्यक्ति है। उस बात को आगे बढ़ाते हुए शासन ने भी बहुत बड़ी मात्रा में स्कॉलरशिप देकर के भूटान के होनहार नौजवानों को भारत के अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटियों में
शिक्षा का प्रबंध किया है। आज जब मैं आया हूं तो मैंने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा था कि स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं उसे हम डबल करेंगे ताकि अधिक नौजवानों को आधुनिक शिक्षा पढ़ने के लिए सौभाग्य को सरकार हो। उसी प्रकार से हमने कुछ और तरीके भी आगे की दिशा में सोचना होगा। मेरा जब से भूटान आने का मन कर गया मैं लगातार भूटान के साथ अपने संबंधों को और अधिक व्यापक तल पर कैसे विस्तृत करें विकसित करें इस पर सोचता है। मेरे मन में विचार है कि जितने हिमालयन स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के और भूटान भविष्य में नेपाल भी हो जाए तो नेपाल भी, क्या हम हर वर्ष एक स्पेशल खेल समारोह नहीं कर सकते हैं? हमारा सिक्किम है, अरुणाचल है, मिजोरम है, आसाम है, नाते पड़ोस में, और एक प्रकार से रुचि वृत्ति प्रवृत्ति प्रकृति सब बराबर बराबर है। तो ये नई कोई खेलकूद के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास होगा। भारत सरकार भी इस पर सोचेगी, छोटे छोटे राज्य भी सोचेंगे और भूटान भी सोचेगा। हर वर्ष अलग अलग प्रदेशों को खेल के माध्यम से मिले, कभी भूटान में भी मिले, क्योंकि खेल के माध्यम से स्पोर्ट्स के माध्यम से स्पोर्ट्स में स्पिरिट आता है और हमारे पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देशों के साथ स्पोर्ट्स में स्पिरिट जितना ज्यादा बढ़ता है उतना समाज जीवन के अंदर हैप्पीनेस के लिए अच्छा माहौल भी बनता है, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए भाव आता है। उसी प्रकार से यह आवश्यक है कि भारत के बालक भी जाने कि भूटान क्या है, कैसा है, इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, मूल्य क्या है। और भूटान जो कि भारत के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, भूटान की गिनाई मिल जाए आगे तक हिंदुस्तान बाहर खुला मनाता है। सदियों से हिंदुस्तान से कैसे जुड़े, हिंदुस्तान की वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी परंपरा है जिसको जानना समझना चाहिए। क्या न हम आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रतिवर्ष भूटान और भारत के बालकों के बीच क्विज कॉम्पिटिशन करें, बड़े समारोह याद करें, हमारे नौजवान तैयारी करें, एक दूसरे देशों की बारीक जानकारियों के बीच कॉम्पिटिशन हो, उस पर हमें उतरे ना हम नौजवान। मैं देख रहा हूं कि भूटान में काफी लोग हिंदी समझते हैं, क्योंकि तो बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान पढ़ने के लिए जाते हैं। अब हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर उनको थोड़ा वहां की भाषा का ज्ञान प्रारंभिक रूप में परिचित हो जाए तो उनको पढ़ने में बहुत सुविधा पड़ती है। इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम सोच रहे हैं। भारत का सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या लद्दाख के और हमारे भूटान के विकास के लिए काम आ सकती है? क्या स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत भूटान की कोई और मदद कर सकता है? क्या हमारे जो वैज्ञानिक हैं और भूटान के साथ बैठकर भविष्य में स्पेस साइंस के माध्यम से हम दोनों देशों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से हमारे संबंधों को विकसित कर सकते हैं, उस पर हम प्रयास करें। कभी कभी ऐसा लगता है लोग कहते हैं कि हिमालय हमें अलग करता है,
सोचने का ये एक तरीका है, मेरा सोचने का तरीका दूसरा है। और मैं सोचता हूं कि हिमालय हमें अलग नहीं करता, हिमालय हमें जोड़ता है। हिमालय हमारी सांझी विरासत है। हिमालय के उस पार रहने वाले भी हिमालय को उतना ही प्यार करते हैं जितने हिमालय के इस छोर पर रहने वाले करते हैं। दोनों तरफ बसे हुए लोग हिमालय के प्रति उतना ही आदर और गौरव के रूप में करते हैं। दोनों तरफ के क्षेत्रों के लिए हिमालय एक शक्ति का स्रोत बना हुआ है। हिमालय से दोनों को बहुत लाभ मिला है। समय की मांग के एक वैज्ञानिक तरीके से हिमालय रेंजेस का स्टडी हो, क्लाइमेट के संदर्भ में हो, प्राकृतिक संपदा के संबंध में हो, उस विरासत का आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे उपयोग किया जा सके, भारत ने आने वाले दिनों में सोचा है। एक तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, दूसरा भारत गंभीरतापूर्वक से इस बात पर सोच रहा है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। लेकिन यह अकेला भारत नहीं बन सकता, अड़ोस पड़ोस के सभी देशों में मिलकर के शुरू करना होगा। और हम इसके लिए संयुक्त रूप से कैसे आगे बढ़े उस दिशा में हम सोचना चाहते हैं। हमारी सरकार ने और भी इनिशिएटिव लेने के लिए सोचा है। हम चाहते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमालयन स्टडीज, इसका इनिशिएटिव लिया जाए और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर हिमालयन स्टडीज के माध्यम से यहां के जनजीवन, यहां के प्राकृतिक संपदा, यहां पर आने वाले परिवर्तन, इसमें से मानव जाति के कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है, एक फोकस सब्जेक्ट बना करके इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर हम सोच रहे हैं। और मैं मानता हूं इसका लाभ आपको भी बहुत बड़ी मात्रा में होगा। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, भूटान टूरिज्म डेस्टिनेशन बन रहा है। मैं हमेशा मानता हूं दुनिया के पुराने इतिहास काल से देखे, पुरातन काल से देखे, इक्के दुक्के भी टूरिस्ट एक दूसरे से हमारा नाता जितना बढ़ेगा उतना ही मैं समझता हूं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में छोटा सा गांव बना के रख दिया है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच पाते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, दुनिया की बात को जान सकते हैं। ये नया ज्ञान हमको जोड़ रहा है। भारत के प्रयासों के कारण अब भूटान सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण यहां की जो नई पीढ़ी है वो कंप्यूटर लिटरेट है, टेक्नोसेवी है। ये आने वाले दिनों में बहुत उद्यापकारक होने वाला है। तो चहु दिशा में विकास हो, सुख और समृद्धि प्राप्त हो, मुझे आज आप सबके बीच बात करने का अवसर मिला। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत और भूटान का यह नाता अजरा हमारा है, शासकीय व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं है, यह सांस्कृतिक विरासत से बंधा हुआ है। जिस प्रकार से कितनी ही बड़ी चोट पानी को अलग नहीं कर सकती है, वैसे ही
भारत और भूटान के सांस्कृतिक विरासत को कोई अलग नहीं कर सकता है। मैंने भूटान के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर रहा था, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि तीसरे राज्य भारत के साथ संबंधों की बात आई तो एक बड़ा अच्छा संदेश दे रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत और भूटान का संबंध जैसे दूध और पानी मिल जाए, फिर दूध और पानी को जैसे अलग नहीं किया जा सकता, वैसा ही रहेगा और वो परंपरा आज भी चल रही है। लेकिन यहां के तीसरे राजा की ये बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां से घटना का स्मरण है। 400 साल पहले उस क्षेत्र में हिंदू राजा थे, जिद्दीराम राणा करके उनका राज चलता था और ईरान से पारसी लोग आए। ये दुनिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी है, माइक्रो माइनॉरिटी है। ईरान से उनको निकाला गया और आए समुद्र के मार्ग से गुजरात के किनारे पर आए। अब जिद्दी राणा के क्षेत्र में यानी गुजरात के इलाके में आश्रय चाहते थे तो जिद्दी राणा ने उसको लबालब दूध का भरा हुआ कटोरा दिया और इनडायरेक्टली संदेश भेजा कि पहले से ही मेरे यहां इतने लोग हैं, अब उसमें दही जगह नहीं है, दूध का कटोरा भरा पड़ा हुआ बताया। तो जो पारसी लोग ईरान से आए थे उन्होंने क्या किया, उस पर चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी और दूध को मीठा कर दिया और लबालब दूध से भरा हुआ वो काम वैसे के वैसा वापस दिया। तो जिद्दी राणा ने जब देखा कि तो दूध मीठा हो गया तो उन्होंने तुरंत नौका भेजा समुद्र के अंदर, आपका स्वागत है भाई। और जो घटना 400 साल पहले ईरान से आए हुए पारसी लोगों के शब्दों में उस व्यवहार में थी, वही बात तीसरे राजा के उन शब्दों में दूध और पानी के मिलन में थी, दोनों में इतना साम्य है। और वो माइक्रो माइनॉरिटी आज भी सुख और समृद्धि के साथ हिंदुस्तान के अंदर पारसी कौम जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त की, सब क्षेत्र में प्राप्त की। वैसे ही भूटान और भारत का नाता हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला बना रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से भूटान वासियों का मैं अभिनंदन करता हूं। कल एयरपोर्ट से यहां तक 50 किलोमीटर तक जो स्वागत और सम्मान किया है भूटान के लोगों ने, जो उमंग और उत्साह देखते करता था, मैं इस स्वागत और सम्मान के लिए भूटान का नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला, आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला, इसलिए आपका भी मैं आभारी हूं। राज परिवार ने जिस प्रकार से स्वागत और सम्मान किया, राज परिवार का भी मैं बहुत आभारी हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ताशी पहले Narendra Modi has just completed a long speech in a joint session of the Bhutanese parliament. The underlining message, it may be a small country, but it's a big message. A strong India is equal to strong neighbors. The relationship with the Himalayan kingdom will be nurtured, intensified and improved. But what Narendra Modi's message was, wasn't only for Bhutan importantly. It was also for the region at large about how security, cooperation, and friendly relations will be the bedrock of how the region rises on the national stage.